वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये हमारे श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा है। इधर गुरु साहब जी ने अपने चरण डाले हैं। ये माता भागपरी का स्थान है और गुरु गोबिंद सिंह ने इधर से वर्षा लगा के जल निकाला है। वो जल से उसके नेत्र जो बंद हो गए थे वो खुल के रोशनी आ गई थी। उसी के कारण मतलब इसको छठी पातशाही गुरु हरगोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा बोलते हैं। ये वही गुरुद्वारा साहब है, हर साल मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, बहुत मतलब कि मन खुश होता है जब हम इधर सेवा करते हैं। बस मैं तो इतना ही बोलूंगा, वाहेगुरु जी का खालसा है, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो ये जो ये फेस्टिवल है, ये गुरु हरगोबिंद साहब जी का बर्थडे है। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी पहले वहाँ से आए अमृतसर से, फिर उसके बाद इधर पहले आए शाहजी मुल्क, फिर ये जो ये गुरुद्वारा साहब है, यहाँ पे एक माता पाग पड़ी थी, उनका जो बेटा सेवक राम था वो बड़ा दयालु था, वो बड़े बड़े पंडित के पास गई, फिर भी उसके साथ कोई हल नहीं मिला। सेवक राम फिर अमृतसर गया गुरु हरगोबिंद साहब जी के पास, और उधर उनको उन्होंने बोला पाठ करो पाठ करो। गुरु हरगोबिंद साहब जी पैदल चढ़ के आए गोविंदवाल साहिब से इधर। तो जब इधर आए, यहाँ पे एक माता पाक पड़ी थी, उन्होंने उनका शुक्राना किया, बोला कि अपने मेरे बेटे को सुधराया। और फिर उनके बाद उन्होंने चोला तैयार किया था, तो फिर उन्होंने उनके लिए चोला तैयार किया था गुरु साहब के लिए। तो फिर ये जो ये खुआ देख रहे हैं, तो उनको बोला अब मैं क्या आपको दूँ। उन्होंने बोला कि बस आप मुझे इस दुनिया आपके दर्शन हो गए, आप मुझे ये आंख में बंद किया। तो फिर गुरु साहब ने उनका यहाँ पे अंतिम संस्कार किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।